मैं कानून कोलोदो तक मफरूर हूँ। जब तक तोड़ते जगतार मेरे पाप वतन की जमीन तो मुक नहीं जाते। वारियती जबान नल हुक्म थे दे माँ ऐना पैरा दे जंज वापस लावे ते रोजे मैं शर्वाले दिन मैंने तुत न बख्शी। इंकलाबी के साथ मैं हूँ शाहिद नजीर चौधरी। आज के वीलॉग में मैं एक बार फिर अदाकार यूसुफ खान की जिंदगी के हवाले से अहम तरीन आपको वाकया सुनाने लगा हूँ, जिससे आपको ये बात साबित हो जाएगी कि वो इंतहाई गैरतमंद पाकिस्तानी थे। और जब भी किसी ने दीनी हवाले से या कौमी हवाले से जब भी किसी ने कोई बात की एतराज़ किया और वो नहीं देखते थे कि उनके सामने कौन खड़ा है, तो वो अपनी बात जरूर किया करते थे। अहम तरीन बात यह है कि आज के दिन यूसुफ खान साहब पैदा हुए थे, यानी 10 अगस्त के दिन। 14 अगस्त से सिर्फ 4 दिन पहले उनकी पैदाइश हुई थी। और उनकी हुब्बुल वतनी का जज्बा इस हवाले से भी हमेशा ये उजागर किया जाता रहा है कि उन्होंने हिजरत के वो मसाइब सारे देखे थे, वो तकालीफ सारी उठाई थी, वो कुर्बानियाँ देकर रास्ते में तकालीफ उठाकर पाकिस्तान आए थे इंडिया से। इसलिए उनके अंदर हमेशा एक जोश और जज्बा जो कौमी होता था वो हमेशा जागजी रहता था। परवेज़ मुशर्रफ के हवाले से जो पाकिस्तान के डिक्टेटर भी थे, एक बार उन्होंने यूसुफ खान साहब को गिरफ्तार करने के लिए उठाकर लाने के लिए फौजियों को एवर न्यूज़ स्टूडियो में भेज दिया था और कहा था कि उन्हें उठाकर लाएं। वाकया क्या हुआ था, ये कहानी बड़ी अजीब है। बहुत कम पाकिस्तानी मीडिया ने इस पर बात की है या बात करते हुए पाकिस्तानी मीडिया डरता रहा है कि यूसुफ खान की जिंदगी का ये वाकया उन्होंने कभी नहीं कोट किया, जबकि उन्होंने ये वाकया कई लोगों को भी सुनाया था। आज आपको मैं इसकी गवाही भी दूंगा आखिर वीडियो के आखिर में कि ये किसने इस वाक्य को फिर से ताज़ा कर दिया, और जिससे ये बात साबित हो जाती है कि यूसुफ खान इंतहाई बहादुर इंसान थे लेकिन इंतहाई ज़हीन इंसान भी थे। परवेज़ मुशर्रफ ने अपने दौर इक्तदार के दौरान ये बात कही थी कि पाकिस्तान में अगर ख़वातीन स्कर्ट पहनना चाहती हैं, मुख्तसर लिबास भी पहनना चाहती हैं, तो उन पर कोई कदगर नहीं है, वो आज़ाद हैं, जहाँ चाहें वो घूम सकती हैं। तो इस पर यूसुफ खान साहब ने बड़े कड़क कर बड़ी दलेरी से ये जवाब दिया था और ये बयान दिया था कि परवेज़ मुशर्रफ साहब का बयान बहुत अच्छा है उनकी हद तक, लेकिन इसकी इब्तदा वो अपने घर से करें तो ज़्यादा बेहतर होगा। उनका ये बयान जो है अखबारात में भी उछाला गया था, लेकिन उसके बाद फिर क्या हुआ, एक दिन वो जब स्टूडियो में अपने दफ्तर में मौजूद थे तो चंद फौजी अफसर उनके पास आ गए और उन्होंने कहा कि हमें परवेज़ मुशर्रफ साहब का खासा हुक्म है कि हम आपको उठाने के लिए आए हैं, ले जाने के लिए आए हैं, लेकिन हम ये मजबूर इसलिए हैं कि हम यूसुफ खान को उठाने के लिए आगे हैं, उस यूसुफ को जिसकी फिल्में हम देखा करते थे, जिनको हम खुद पाकिस्तान की गैरत का निशान समझते हैं, जिन्होंने इंडिया को हमेशा टक्कर का जवाब दिया है और हमेशा यह साबित करने की कोशिश की है अपनी पाकिस्तानी फिल्म इंडस्ट्री के दिफा के लिए और इंडिया के तहजीब से बचाने के लिए, उसके कल्चर की यलगार से बचाने के लिए यूसुफ खान साहब ने हमेशा जिहाद किया है, तो हम खुद शर्मिंदा हैं, हमें बताएं हम क्या करें। यूसुफ खान साहब ने कहा कि आप बैठे तशरीफ रखें। यूसुफ खान साहब ने अपने जानिसार और बहुत ही मोहब्बत करने वाले, जिन्हें वो मुंह बोला बेटा भी कहते थे, जो उनके खादिमे आला भी थे, मोहम्मद निसार भाई जिन्हें हम प्यार से कहते हैं, उन्हें कहा कि जाओ और इनके लिए चाय का और केक का बंदोबस्त करो। और वो गए और उन्होंने बाहर बेकरी से जाकर सामान लेकर आए और उन फौजी भाइयों की खिदमत में उन्होंने तवाज़ो के साथ पेश किया और उन्हें चाय पिलाई। और वो कहते रहे कि हमें खुद शर्मिंदगी हो रही है कि हम आपको क्यों उठाने आए हैं और किस बात पर उठाने आए हैं और हम आप पर मुकदमा क्या बनाएंगे। यूसुफ खान साहब इस पर हंसते रहे और कहते रहे तो आप अपना फ़र्ज़ अदा करें, मैं अपना फ़र्ज़ अदा करता हूँ। तो जाते हुए उन्होंने कहा कि हम जाकर यह कहेंगे कि हम तो गए थे उन्हें उठाने के लिए लेकिन वो हमें नहीं मिले। तो यूसुफ खान साहब ने कहा कि आपको झूठ बोलने की क्या ज़रूरत है, आप जाकर अपनी साफगोई से सारी बात भी बता सकते हैं। अच्छा, ये बात तो हो गई। यूसुफ खान साहब को जो फौजी गिरफ्तार करने लगे थे वही उनके मद्दा भी थे और उनकी गैरत के गवाह भी थे और उनके दफा में भी बोलने वाले थे। ये बात जब मुशर्रफ साहब तक भी पहुँची तो उन्होंने कुछ देर के लिए खामोशी इख्तियार कर ली। इसी दौरान फिर यूसुफ खान साहब के लिए सदारती अवार्ड का जो ऐलान किया गया, और ये जो सदारती अवार्ड था मुशर्रफ साहब ने देना था उन्हें 2003 में। अब ये बड़ा मसला बन गया। यूसुफ खान साहब कहने लगे कि मैं तो परवेज़ मुशर्रफ से अवार्ड वसूल नहीं करूंगा, ये मेरी गैरत जो गवारा नहीं करती। तो गुलाम मुहीउद्दीन और ऐसे और बहुत सारे फनकारों ने उन्हें समझाया कि ये परवेज़ मुशर्रफ का अवार्ड नहीं है, ये पाकिस्तान की तरफ से आपके लिए अवार्ड है और आपका हक बनता है, आपको जाना चाहिए। खैर, यूसुफ खान साहब दूसरे अदाकारों के साथ जब इस्लामाबाद में प्रेसिडेंशियल हाउस में गए और उन्होंने अपना अवार्ड वसूल किया तो उनकी शान ही कुछ और थी। अवार्ड वसूल करते हैं अमूमन सदर पाकिस्तान के सामने सर झुकाना पड़ता है, लेकिन उनके सामने तो परवेज़ मुशर्रफ मौजूद थे। यूसुफ खान साहब के जो राजसार हैं, जो यूसुफ खान साहब के जो खादिम थे, जो उनके मुँह बोले बेटे थे निसार भाई, जो हमेशा से उनके साथ रहे हैं, वो कहा करते हैं कि खान साहब जब परवेज़ मुशर्रफ के सामने गए तो अकड़ कर गए, उनका सीना तना हुआ था, निगाह उनकी ऊपर थी और वो सीधे गए, उन्होंने एक बार भी झुककर उनके सामने सर नहीं झुकाया जनरल परवेज़ मुशर्रफ के सामने, और उनकी आंखों में आंखें डालकर अपना सर जो है वो तान कर रखा। वो समझ गए कि यूसुफ खान साहब किस कैफियत में, लिहाजा उन्होंने उन्हें अवार्ड दिया और उनके साथ उनके कान में भी कुछ कहने की कोशिश की, लेकिन यूसुफ खान साहब धीरे से वापस आ गए। इसके बाद एक और कहानी नहीं निकलती है। मुशर्रफ साहब को पता चल गया कि फौजियों के दिलों में भी
यूसुफ खान साहब के लिए इज्जत है, क्योंकि वो समझ गए थे, उन तक पैगाम पहुंच गया था और वो अच्छी तरह जानते थे कि यूसुफ खान साहब हकीकत में एक मुहब वतन और बड़े गैरतमंद पाकिस्तानी हैं और उनके होते हुए पाकिस्तान की फिल्म इंडस्ट्री का हम दिफा कर सकते हैं। इंडियन कल्चर के खिलाफ ये एक नंगी तलवार की तरह है, इन्हें हम कभी भी इस्तेमाल इस हवाले से कर सकते हैं कि वो इंडिया को ललकारते हैं, तो ये बड़ी अहम बात होगी। लेकिन अगर हमने उन्हें गिरफ्तार कर लिया तो ये बहुत बुरी बात होगी। लिहाजा वो अपना इंतकाम भी लेना चाहते थे परवेज़ मुशर्रफ साहब, तो उन्होंने फिर क्या किया, इस हवाले से मुख्तलिफ तरह की बातें की जाती हैं और कहा जाता है कि यूसुफ खान साहब के सामने फिर उनके ही प्यारे दोस्तों को एक नई तंजीम बनाकर, माप के मुकाबले में एक नई तंजीम बनाकर खड़ी कर दी गई और उस तंजीम की क्यादत मुस्तफा कुरैशी और ग़ुलाम हयुद्दीन समेत और बहुत सारे अदाकारों ने की। और यूसुफ खान साहब हमेशा इस बात पर नालाज रहे और नाराज़ रहे कि मुझे मेरे अपनों ने ही मेरे पीछे से वार किया है और मैं समझता हूं कि उनसे ये वार किसने कराया है। अल्लाह जाने इस बात में कितनी सच्चाई है कि मुस्तफा कुरैशी साहब हों या ग़ुलाम हयुद्दीन, इनको पीछे से किसी ने इशारा किया था कि इतना सख्त, इतना ज़िद्दी और इतना जो गैरतमंद है इंसान है, उसका जो प्लेटफॉर्म है उसको लड़जा दिया जाए, उसको हला दिया जाए, उसकी तंजीम को तोड़ दिया जाए ताकि उसकी कमर टूट जाए। लेकिन यूसुफ खान साहब अपने पाए से, अपने इरादों से ज़िंदगी भर बाज नहीं आए और हमेशा डंके की चोट पर जो बात उनके दिल में होती थी वही कहते रहे और मुशर्रफ साहब को एक नहीं, दो नहीं, बल्कि कई बार उन्होंने डट कर फिर जवाब दिया जब भी उन्होंने गलत बात की। तू सिर्फ अपने बाप की सूरत देखी है, सीरत नहीं, जेड़ा अपने मत्थे ते कॉम्प्रेसर दा लेबल ला के